एमएस धोनी मूवी का एक डायलॉग है, छोटा सा। दादा बैठे होते हैं, टीम मीटिंग चल रही होती है और दादा कहते हैं कि धोनी को डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद तो सारा का सारा हिस्ट्री है। फिर माही भाई ने क्या किया वो हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। दिल्ली डेयरडेविल में दादा इस टाइम है, ऑक्शन में बैठे हुए थे। कुछ नए यंग प्लेयर ऐसे लेकर आए हैं जिनके बारे में दादा ने कहा है कि इनको ट्राई करते हैं और ये इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े आने वाले टाइम के स्टार होने वाले हैं। दो ऐसे खिलाड़ी हैं, एक तो विकेट कीपर बल्लेबाज है, झारखंड से आ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद MSD टाइप वाला मटेरियल है। और दूसरे हैं एक और खिलाड़ी जो कि ऑलराउंडर है, जो कि हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या तो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, ज्यादातर तो चोटिल रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मगर ये खिलाड़ी जो ये कर रहा है ना लोकल सर्किट में, बहुत बड़ा नाम होने वाला है आने वाले टाइम में, तो उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल नाम बदल गया मगर डेयरडेविल वाली ही इनकी परफॉर्मेंस रहती है। कभी IPL में बहुत बड़े कुछ कारनामे ये लोग कर नहीं पाए। इनका थोड़ा सा IPL देख लेते हैं आप कि 2008 से शुरू किया है, 2023 तक इन्होंने एक पहले दो सीजन में सेमीफाइनल पहुंचे थे, उसके बाद 3 बार प्लेऑफ भी गए हैं, मगर उसके बाद कुछ अगर देखोगे ना तो कुछ वैसा इनके प्रदर्शन में नहीं नजर आया जिससे ये लोग टॉप में चले जाएं। जैसे कि आप बात करोगे तो बात करते हो CSK की, बात करते हो मुंबई इंडियन की, बात करते हो आप गुजरात टाइटन की बात करने लगे हो, मगर ये टीमें कहीं पिछड़ जाती हैं। जैसे कुछ बहुत कम टीमें हैं जो इतनी हाई प्रोफाइल टीमें नहीं मानी जाती, उनकी बहुत कम बात होती है। जैसे पंजाब को ले लो, राजस्थान को ले लो, दिल्ली को ले लो, आप अपने लखनऊ को ले लो, मतलब ऐसा लगता है कि IPL सिर्फ 2-3 ही टीमों का है। जैसे RCB बड़ी बात होती है, जबकि उसने कुछ अभी तक अपने IPL में कुछ किया नहीं है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, चेन्नई, ये सारी टीमों की बात होती है और ये टीमें बेचारी कहीं ना कहीं छिप जाती हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता है कि पूरी दुनिया में IPL का डंका है मगर जो 2-3 टीमें हैं वो ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं और ये कहीं ना कहीं छिपी रहती हैं। हालांकि एक से बढ़कर एक प्लेयर रहे, जब डेयरडेविल हुआ करती थी तो वीरेंद्र सहवाग और गंभीर की जोड़ी आती थी, फिर इनके साथ AB डिलीवर्स भी एक टाइम जुड़े, वार्नर उस टाइम भी खेलते थे, अब फिर से कप्तान बने हुए हैं, JP डुमनी खेले, अमित मिश्रा खेले, जहीर खान खेले, मतलब बहुत टॉप क्लास के मारूफ खेले, दिलशान खेले इनके लिए, तो बहुत तगड़ी हमेशा से इनकी टीम रही मगर ट्रॉफीज या प्रदर्शन के नाम पे जीरो रहे, कुछ उतना मजेदार कर नहीं पाए इसलिए शायद ये पिछड़ गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, यार हमारी कैपिटल की टीम है तो इसको तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखते हैं कि इस साल फिर क्या लेकर आने वाले हैं 2024 में ये लोग। सबसे पहले थोड़ी सी नजर हम लोग डालते हैं कि इनके पास क्या पर्स अवेलेबल थी। 28 करोड़ रुपए थे इनके पास, रिटेन कर लिया था ऋषभ पंत को, कर लिया था डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह, इन लोगों को रिटेन इन लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद जो रिलीज किए थे उनको थोड़ा सा देखते हैं, रिली रूसो और रोमन पावल, मनीष पांडे, फिल सार्ड, मुस्तफिजुर रहमान, सरफराज खान, अमन खान, प्रियम गर्ग, बहुत ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनको रिलीज किया हो। और अगर आप स्लॉट में भी देखोगे तो खुद बड़े बड़े नाम इनके पास नहीं है मगर तब भी ठीक ठाक एक टीम नजर आती है ये। इनको IPL 2024 के ऑक्शन में 9 स्लॉट जिसमें 4 विदेशी इनको फिल करना था। तो देखते हैं कि क्या क्या ये लोग अपने साथ लेकर आए हैं और उसके साथ इनकी प्लेइंग 11 क्या है और क्या क्या चांसेस हैं 2024 वाले IPL में इनके लिए, ये थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे सरप्राइजिंग रहा कि 7.2 करोड़ में इन लोगों ने कुमार कुसार को खरीदा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देन 5 करोड़ में जाय रिचर्डसन को खरीदा, फिर 4 करोड़ में इन्होंने हैरी ब्रूक को खरीदा, सुमित कुमार को लेकर आए 1 करोड़ में, साई होप भी वेस्ट इंडीज से उठा लाए, उसके बाद स्टब ये 50 लाख में खरीदा, राशिक डार को खरीदा और ये कुछ और रिकी बॉय, ये भी विकेट कीपर हैं, स्वास्तिक चिकारा, इन लोगों को ये लेकर आए। तो बहुत ज्यादा बड़े नाम इन्होंने ऑक्शन में नहीं उठाए, ठीक है इनके पास पर्स ऐसी बात नहीं है कि पर्स ठीक ठाक मौजूद थी, 28 करोड़ रुपए थे। यार इसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे कुमार कुसार्ग हो गए, सुमित कुमार हो गए, राशिक डार हो गए, ये कौन ऐसे प्लेयर हैं जिनको दिल्ली ले आए और दिल्ली कह रही है कि हम IPL में कम्पीट करने वाले हैं, ऐसी क्या बात है इनमें, थोड़ा सा इनको अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में कहां से आते हैं, क्या करते हैं, किस बेस पे यहां पर दिल्ली इनको लेकर आया है। फिर देख लेते हैं कि बैटर्स अब इनके पास क्या नजर आ रहे हैं, डेविड वार्नर हैं, शाह हैं, यश धुल हैं, हैरी ब्रूक हैं, चिकारा हैं, ठीक है। विकेट कीपर, अब विकेट कीपर में तो इस बार आप नहीं ऋषभ पंत को रख सकते हो, ऋषभ पंत को आपको लाना होगा बैटर्स में, क्योंकि अगर ये IPL 2024 खेलते हैं तो एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे।
देन स्टब हैं, साई होप हैं, कुमार कुशाग्र हैं, विकी बॉय हैं। विकेट कीपर्स अगर आप देखोगे तो इनके पास भरमार है। इससे इतने ज्यादा विकेट कीपर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टीम रखती है। ऑलराउंडर्स के नाम पर भी इनके पास दो तो बहुत तगड़े हैं, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, ललित यादव, विकी ओसवाल, सुमित कुमार, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर्स हैं। इनके पास बॉलर्स भी ठीक ठाक हैं, नौटजी हैं, कुलदीप यादव हैं, नजीदी हैं, खलील अहमद, ईशान शर्मा वेटरन हैं मगर अभी भी खेल रहे हैं, मुकेश कुमार, लगभग सारे, मतलब अगर टेस्ट में इनका डेब्यू हो जाता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तो सारे के सारे फॉर्मेट में ये डेब्यू कर जाएंगे। परवीन दुबे हैं, जाय रिचर्डसन हैं, रसिक डार हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक पैक नजर आ रहा है इनकी टीम का। अब इससे प्लेइंग 11 क्या बनती है इस पे भी हम लोग बात करते हैं, मगर इससे पहले देख लेते हैं ये कुमार कुशाग्र और सुमित कुमार क्यों दिल्ली इनको इतना ज्यादा हाई रेट कर रही है, क्यों इतना ज्यादा पैसा इनके ऊपर खर्च किया, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कुमार कुशाग्र, बहुत सारे लोग इसको जानना चाहते हैं। कुमार कुशाग्र एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज है जो कि झारखंड से आता है। कुछ समझे दया? अगर झारखंड से आता है तो भाई सीधी बात होती है, इनका कंपैरिजन होता है सीधे सीधे एमएस धोनी से। मगर बहुत सारे एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि ये आने वाले टाइम में इंडिया का नया एमएस धोनी होने वाला है। तो भैया अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या ही कहने, क्योंकि अगर ऐसा कोई अपकमिंग प्लेयर आता है जो माही भाई का 5% भी निकल गया ना तो इंडिया के लिए वो काम कर जाएगा भाई साहब, क्योंकि माही भाई था। कोई सेंसेस बात की? और अगर कोई ऐसा खिलाड़ी आ रहा है, क्योंकि देखो उन्हीं के स्टेट से आते हैं तो जरूर ये उनके फैन भी होंगे, मगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये माही भाई की तरह ही बैटिंग कर सकते हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं, बहुत ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करने के लिए लोकल सर्किट में जाने जाते हैं। अब दिल्ली की इन पे नजर कैसे पड़ी, वैसे तो ऑक्शन में थे मगर जो स्काउट होते हैं जो ढूंढते रहते हैं देखते हैं जाके कि कहां पर क्या चल रहा है, कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है, तो विजय हजारे में इनका एक मैच चल रहा था, 67 रन बना दिया सिर्फ 37 बॉल पे। वहां से स्काउट ने इनको देखा, फिर टीम मैनेजमेंट से बात की, फिर जब ऑक्शन हुआ तो यहां पर महंगे दाम पर इनको खरीदा गया, 7.2 करोड़। अगर ये लोग इनको ना खरीदते ना तो सीएसके वाले भी इस लड़के के पीछे पड़े थे, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो भैया हमें ये तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट इंडियन क्रिकेट के लिए नजर आ रहा है, ठीक है। देन सुमित कुमार, ये मेरे लिए एक स्टील है कि जो दिल्ली डेयरडेविल ने किया है ना इस प्लेयर को लेकर, क्योंकि ये कमाल का प्लेयर नजर आ रहा है। मैंने जब इसका नाम सुना कि यार कोई प्लेयर आया है दिल्ली में, तब मैंने इसकी बैटिंग देखी ना, बहुत ही तगड़ी करता है। विजय हजारे ट्रॉफी जो अभी जीता है हरियाणा ने ना फाइनल में, क्या डाउन द ऑर्डर आके क्या बैटिंग इसने की है, सेमीफाइनल में भी बहुत तगड़ी बैटिंग की है, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। उसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है भाई साहब, मतलब कपिल देव के बाद इंडिया को अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला। हार्दिक पांड्या मिले थे मगर वो मैचेस कम खेलते हैं, फड्डे ज्यादा करते हैं, कंट्रोवर्सी में ज्यादा पड़े रहते हैं, चोटिल ज्यादा रहते हैं, मैचेस बहुत कम खेलते हैं। तो इस तरीके के लड़कों की, इस तरीके की यंग टीम की हमें जरूरत है। ये फास्ट बॉलर है, मतलब की नई, मैंने देखा था कि विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में नई बॉल शेयर कर रहे थे, मतलब दो एंड पे जो नई बॉल चलती है ना, एक इनका जो मेन बॉलर था वो उसने बॉल स्टार्ट की, दूसरे एंड पे ही आ गया, डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी करता है। तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी साबित होने वाला है, ये एक हीरा है। अगर यहाँ पर दादा ने इसको तराश दिया ना, इंडियन क्रिकेट की जो खोज है ना वो जरूर पूरी हुई नजर आएगी सुमित कुमार के रूप में। बहुत ही हार्ड हिटिंग है और अभी तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर कहीं दिल्ली ने पूरे सीजन इनको खिलाया और सही इनका गाइडेंस हुआ तो ये 2024 में इंडिया को एक ऑलराउंडर मिल जाएगा, और वो दिन दूर नहीं होता है। अगर आपने आईपीएल में प्रदर्शन कर दिया तो भाई इंडियन कैप बहुत जल्दी मिलती है। फिर रसिक डार के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये भी बहुत थोड़ा अपने आप को सही करके आए हैं, इंप्रूवमेंट लेकर आए, क्योंकि 2018 में मुंबई इंडियन के लिए खेले थे, 2022 में केकेआर के लिए खेले थे। इनके ऊपर भी थी कि इनको भी ट्रायल में बुलाया गया और ट्रायल में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं दिल्ली वाले, तभी इनको अपनी टीम में लेकर आए हैं, और 20 लाख में बहुत अच्छी एक जो है चॉइस इनको मिल गई दिल्ली वालों को। अब ये देख लिया गया कि क्या क्या प्लेयर आए हैं, अब इन प्लेयर से हम लोग एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं जो इनकी प्लेइंग 11 होगी 2024। तो डेविड वार्नर के साथ आएंगे पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह के बारे में इनको एक समय कहा जाता था कि या तो यार सचिन तेंदुलकर है आने वाले टाइम का, मगर फिर फॉर्म खराब हुई, टीम से बाहर गए और अब तो वेट भी बहुत बढ़ा लिया। वो वाला वीडियो देखा तो बड़ा दुख हुआ यार कि इस प्लेयर को तो बताया जा रहा था कि ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर से जिसको कंपेयर कर दिया जाए तो उसकी ऐसी हालत, थोड़ा सा दुख होता है। दो प्लेयर जो इंडियन सर्किट में है ना उनसे मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ, एक तो पृथ्वी शाह, इन्होंने अपना हाल बनाया हुआ है, दूसरे हैं सरफराज खान जिनका सिलेक्टर ने बुरा हाल किया हुआ है। जनता माफ नहीं करेगी, जब भी उनको मौका मिलता है रन बनाते हैं वो। हाँ T20 के बल्लेबाज वो नहीं है मगर टेस्ट क्रिकेट में वो रन बनाते हैं, मगर उनका भी कहीं नाम आता नहीं। अभी अफ्रीका दौरे पे गए थे जो अभी ए वाली सीरीज चल रही थी उसमें भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, मगर ये दो नाम ऐसे हैं जो बहुत बड़े बल्लेबाज बन सकते थे मगर वो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो फिर नंबर 3 पे आएंगे मिचेल मार्श, 4 पे ऋषभ पंत,
अब ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेलेंगे, सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलेंगे, और सिर्फ अगर एज ए बैट्समैन भी खेल गए ना तो ये टीम बहुत ही धाकड़ टीम नजर आएगी आप लोगों को। हैरी ब्रूक नंबर 5 पे खेलेंगे, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं। कुमार कुशाग जिनकी बात मैंने की वो 6 पे आएंगे, अक्षर पटेल 7 पे आएंगे, सुमित कुमार 8 पे आएंगे। ये मुझे बहुत डाउन डी अदर इनकी बैटिंग बहुत अच्छी लग रही है, 7 पे अक्षर, 8 पे सुमित, मतलब कि इस प्लेस पे T20 में बल्लेबाज जो बड़ी बड़ी हिटे लगा लेता है बहुत मायने रखता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके खलील अहमद, मुकेश कुमार, फिर 8 पे होंगे सुमित कुमार, फिर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे, चाइना मैन है जो अपने स्पिनर है, इंडिया के एक फ्रंट लाइन स्पिनर है भैया, अकेले दम पर किसी भी दिन मैच पलटने की क्षमता रखते हैं कुलदीप यादव, आ जाएंगे इनके नंबर 9 पे। देन आएंगे मुकेश कुमार, मुकेश कुमार भी बेहतरीन डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, जो भी उनके मौके मिल रहे हैं बढ़िया बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके एक फॉरेन प्लेयर होंगे नॉर्टजे, और उनको सपोर्ट करने के लिए जाय रिचर्डसन होंगे, कभी ये खेलेंगे कभी वो खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत इसमें रहना जरूरी है वरना टीम काफी थिन नजर आएगी। बॉलिंग आप देखोगे तो 3 ऐसे बॉलर हैं, अक्षर पटेल ले लो, कुलदीप यादव ले लो, मुकेश कुमार ले लो, 3 जो टीम इंडिया खेल रही है ना उसके मेन बॉलर इनकी बॉलिंग लाइनअप में है, ठीक है। बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है, अगर ऋषभ पंत इसमें जुड़ जाते हैं तो ये टीम इस बार किसी को भी कम्पीट करने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी दिल्ली की टीम बना ही डालो।